Good morning, dear students. Now today we are going to start exercise 2.6. That is question number 1, and this is the multiplication of decimals. Okay, you all have already studied in your 6th standard that how we can remove the point and how we can put the point into the numbers. Okay, so let's study. For the question number 1 is to find the product. Okay, 0.2 multiplied by 6. Whenever, जब भी आप डेसिमल नंबर का पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तब पहले आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है कि ऐसे ही सोचना है कि नंबर में पॉइंट है ही नहीं. ओके, तो यहाँ पर नंबर में पॉइंट नहीं है तो 2, 6, 12. ओके, और यहाँ पे 1, 0. सो योर आंसर वुड बी 0.12. ओके, सिमिलरली लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर. फर्स्ट वी फॉरगेट द पॉइंट. ओके, सो 2 4 4 4 8, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4, and 4 2 8. Now यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद है? लास्ट के दो डिजिट के बाद. सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइट. सो 1 and 2. सो द आंसर इज 844.08. क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द वन रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर द लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर. ओके, एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर? सो यू आर द व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एल मल्टीप्लाई बाय बी. सो योर लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. नाउ डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट फॉरगेट अबाउट द पॉइंट. ओके, 7 3 21, 5 3 15, प्लस 2 यू विल गेट 7. देन हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 नंबर के बाद. सो वी हैव टू आल्सो पुट द पॉइंट आफ्टर द 1 नंबर टुवर्ड्स द राइट. देन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज यू ऑल हैव स्टडी. ओके, दैट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100 एंड 1000. सो द फर्स्ट वन इज 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10. तो पहले हमें पॉइंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में कितने नंबर रखने पड़ेंगे पहले देखना पड़ेगा. पॉइंट में राइट साइड की लेफ्ट साइड कितने नंबर है? तो 1. सो हमें पॉइंट नीचे डिनोमिनेटर में 10 रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 10. सो सेम नंबर विल बी कट. सो योर आंसर विल बी 30. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ अगेन यू विल हैव टू सी दैट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द पॉइंट 1. सो 311 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ सेम जीरो विल बी कट. 1 1. सो 311 मल्टीप्लाई बाय 10 योर आंसर विल बी 3110. Now 3 is 0.03 multiplied by 1000. पहले पॉइंट को निकालना है तो हम रिमूव द पॉइंट देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है. 2, तो उतने 0 हमें नीचे रखने हैं. 3 upon 100, हमने 2 0 रखे, मल्टीप्लाई बाय 1000. ना हम इन 0 आर से 1 2, कितने 0 बचे? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड योर आंसर वुड बी 30. क्लियर? अब तो क्वेश्चन नंबर 3. Once you will try to solve by your own self, automatically it will be too easy for you. Okay? So let's solve question number 4. 2 meter covers the distance of 55.3 kilometer in 1 meter of height. So that I have made the two columns. The one is the kilometer and another one is the petrol in meter. So the question is how much distance 2 meter can
कैसे पॉइंट निकालोगे, देखना है कि पॉइंट के बाद पॉइंट की लेफ्ट साइड कितने नंबर है, जितने भी नंबर है उतने आप डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे. मींस यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द फ्रैक्शन. नाउ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, सो 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, सो 3 अपॉन 10. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 25 3 आर 75 अपॉन 100. नाउ दिस फ्रैक्शन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल नंबर. अब उसका हम क्या करना है कि पहले हम पॉइंट को निकालने के लिए जितने भी नंबर्स थे उतने हम जीरो रखते थे डिनोमिनेटर में. अब जितने जीरो है उतने नंबर्स हमें राइट की ओर, नंबर की राइट की ओर जाके हमें पॉइंट रखना है. सो 1 and 2, सो योर आंसर विल बी 0.75. ओके, इन द बी आल्सो विल रिमूव द पॉइंट फर्स्ट, 112 divided by 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जीरो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 15 upon 100. ओके, सो 112 divided by 15, सो योर आंसर विल बी 10 multiplied by 100. 112 multiplied by 15 तो आंसर हो गया 1680 divided by 100 multiplied by 10, so it will be 1005. So your answer is 1.68. Okay, so this